हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यू वीडियो मैं बनाने में जा रही हूँ गाइस, डोसा। सो गाइस, डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है मेथी। तो मेथी कम से कम 1 टीस्पून, धुली हुई उड़द की दाल 1 कटोरी, चने की दाल आधा कटोरी, और एक कांच का गिलास जो समथिंग 3 कटोरी चावल। तो गाइस, डोसा बनाने के लिए जो मैंने सामान लिया है इसको भिगो देंगे, और समथिंग इसको 4 घंटे के बाद, 4 घंटे का टाइम चाहिए। तो सबसे पहले बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मेथी के दाने, 1 छोटा कटोरी धुली हुई उड़द की दाल, आधा कटोरी चने की दाल, और समथिंग 2 कटोरी चावल। सो गाइस, डोसा बनाने के लिए रेसिपी मैंने रख ली है, अब इसमें डालेंगे पानी। और सो गाइस, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और खाइएगा डोसा। और डोसा किस तरीके से बनाते हैं आप पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी डालने के बाद इसको ढक कर रख देंगे, और मिलते हैं 4 घंटे के बाद। और इसको भीगने देंगे, इतना अच्छे से भीगेगा उतना ही आपका डोसा बहुत अच्छा बनने वाला है। इस तरीके से इसको भिगो देंगे और ढक कर रखिएगा। तो गाइस, मैंने ढक दिया है, मिलते हैं 4 घंटे के बाद। सो गाइस, 4 घंटे हो चुके हैं, अब देखेंगे कैसा भीगा है ये डोसा का बनाने का बैटर। तो गाइस, उड़द की दाल अच्छे से भीग चुकी है, और चावल, मेथी और चने की दाल। सो गाइस, डोसा बनने के लिए परफेक्ट तैयार है। अब क्या करेंगे गाइस, इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। तो जितने अच्छे साफ पानी से धोएंगे उतना ही अच्छा आपका सफ़ेद डोसा निखर के आएगा। तो इसको गाइस 3-4 पानी से समथिंग धोना है, तो इसको अच्छे से धो लेते हैं, मिलते हैं धोने के बाद। तो गाइस, मैंने 3-4 पानी से धो लिया है, इस तरीके से धो के साफ़ हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं, समथिंग 4 पानी से मैंने धोया है। मिक्सी का जार लेंगे, और मिक्सी के जार में पीस लेंगे बैटर को। तो गाइस, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सूखा पिसेगा नहीं और फंसेगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर इसमें ढक्कन लगा देंगे और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिलते हैं गाइस मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद। सो गाइस, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैटर को मैंने तैयार किया है। और इसको अभी तो गाइस ये गाढ़ा है, और इसको अच्छे से पीस लिया है, खूब महीन, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा महीन है, परफेक्ट पेस्ट तैयार हो गया है डोसा के लिए। अब इसको ढक देंगे 2 घंटे के लिए। तो गाइस, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो गाइस, 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे खट्टा दही, इससे खमीर बहुत अच्छा उठेगा। तो खट्टे दही की गाइस क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है, आप देख सकते हैं मैंने आधा कटोरी समथिंग खट्टा दही डाला है। अब इसको मिला देंगे, इसको ढक देंगे 1 घंटे के लिए। भाई, डोसा बनाने के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब बैटर तैयार करने के बाद आलू बॉईल कर लेंगे, जो मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। अब बनाएंगे सांभर। सांभर बनाने के लिए गाइस मैंने लिए हैं लौकी और बैंगन, अगर आप चाहें तो कद्दू भी ले सकते हैं, मैंने कद्दू भी नहीं लिया है, जिसको सीताफल बोलते हैं। तो गाइस, सांभर बनाने के लिए मैंने 2 बैंगन कटिंग करे हैं, और बैंगन को पहले पानी में भिगो लेंगे और धो लेंगे, अच्छे से धोने के बाद पानी में भिगो लेंगे, और पानी में ही काटे जाते हैं बैगन, क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि गाइस मैंने पानी में ही बैगन को काटा है, और बैगन में पानी में काटने से काले नहीं होते हैं, और लौकी को भी काट लिया। और सांभर बनाने के लिए गाइस आप मैंने दाल ली है तुअर की दाल, तुअर की दाल को गाइस अरहर की दाल बोलते हैं, तो ये अरहर की दाल मैंने 1 कटोरी, छोटी कटोरी ली है।
तो गाइस सांभर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सब प्याज जो भी अवेलेबल आपके पास हो, आप चाहें तो सीताफल भी ले सकते हैं कद्दू, और धो लेंगे इसको, दो तीन पानी से धो लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि हरी सब्जी है, हरी सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने की क्वांटिटी पानी की आप जानते ही हैं, 3 से 4 पानी से धोना है, हरी सब्जी को ज़्यादा पानी से ही धोया जाता है। तो गाइस इसको धो लेते हैं और दाल को भी धो लेते हैं और मिलते हैं धोने के बाद। सो गाइस सब्जी को धो लिया है दो तीन पानी से तरीके से। तो गाइस सांभर बनाने के लिए कुकर लेंगे और कुकर में डाल देंगे सब्जी और इसमें डाल देंगे दाल। तो गाइस दाल भी इसमें ऐड कर दिया। तो सांभर वाली दाल गाइस आप डेली में भी बना के खा सकते हैं, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो बताना। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, आधा टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर, 2.5 गिलास पानी, तो समथिंग 2.5 से 3 गिलास तक पानी इसमें डाल दिया है। इसमें लगा देंगे ढक्कन, गैस को ऑन करेंगे, इसको रख देंगे कुकर। सो गाइस कुकर में सीटी आ जाए तो इसमें समथिंग 4 सीटी लगानी है। तो मिलते हैं गाइस 4 सीटी लगाने के बाद। आप देख सकते हैं कि गाइस कुकर में सीटी, गैस को हाई फ्लेम पर कर दिया है। तो मिलते हैं गाइस 1/2 घंटे के बाद। सो फ्रेंड डोसा के लिए मैंने आलू लिए हैं, आलू फ्राई करेंगे। तो गाइस आलू डोसा के लिए आलू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मसाले वाला फ्राई करना है, तो आप गाइस देख सकते हैं मैंने आलू के छोटे छोटे बॉयल किए हुए आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से, चाहे तो आप इसको फोड़ भी सकते हैं। और मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। चलते हैं गाइस गैस की तरफ, डोसा के लिए आलू मसालेदार फ्राई कर लेते हैं। गैस को ऑन करेंगे और डालेंगे कढ़ाई, डालेंगे ऑयल जो मैंने कड़वा तेल लिया है। सो गाइस गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें लेंगे राई जो मैंने काली राई ली है, और इसमें दाल के फूटने लगती है। अब मुझे सिर्फ नाचने लगी है, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, प्याज मैंने अभी नहीं लिया है। अब इसमें डाल देंगे आलू, तो गाइस आलू डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इसको चलाएंगे, डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब आलू को गैस डोसे में थोड़ा सा महीन रखना है, इसीलिए आप आलू इस तरीके से फोड़ लेंगे, थोड़े से आलू फोड़ लेंगे, थोड़े वैसे रखेंगे टुकड़े पीसेस। सो गैस मैंने ग्लास से इस तरीके से फोड़ ले रही हूँ आलू को, आपके पास अगर आलू फोड़ने वाला है तो उसे भी आप कर सकते हैं, मैसर, आलू फोड़ने वाला मैसर, उससे बहुत ही आसानी से फूट जाते हैं आलू। तो गाइस थोड़े थोड़े आलू मैंने फोड़े हैं, थोड़े थोड़े ऐसे पीसेस रखे हैं जो डोसे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सो गाइस आलू फ्राई हो चुके हैं, तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो के। तो गाइस डोसा के लिए आलू परफेक्ट तैयार हैं दोस्तों, तो आपको आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो बताइएगा। गैस को ऑफ कर देंगे। सो गाइस आलू फ्राई हो चुके हैं, इस तरीके से मैंने सब कर लिया है, अब डोसा बनाने के लिए परफेक्ट है। और इसको करेंगे ठंडा, आलू को दिखाएंगे पंखे की हवा, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा अच्छा लगता है डोसे में, फिर डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनेगा। तो गैस इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ भरते के लिए। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं, चाहे तो डेली में भी आप आलू फ्राई कर सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं या बर्गर बना सकते हैं। सो गाइस अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब मैंने जो बैटर लिया है डोसा का बनाया था, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें
जो मैंने ढका था इसमें वो उसकी बूंदे जैसी आ जाती हैं, और ये खमीर की आवाज़ दे सकते हैं कि खमीर परफेक्ट उठ गया है। तो वैसे इसको समथिंग 4 घंटे चाहिए होते हैं, तो ये खमीर इस तरीके से बन गया। तो गाइस इसको जितना अच्छे से फेटेंगे आपका डोसा उतना ही बैटर अच्छा बनेगा। तो बैटर में हवा भरी जाती है, जो हवा आप समझ सकते हैं जिसको बोलते हैं खमीर। तो हवा भरने के लिए बैटर में गाइस हाथ की नमी देनी पड़ेगी, तो इसे हाथों से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चम्मच से गाइस सही परफेक्ट नहीं हवा भरेगी इसमें, तो इसको अच्छे से फेटना है। और जिस तरीके से जैसे फेटते जाएंगे और ये हल्का होता जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि डोसा के बैटर में हवा भर गई है। तो ये कितना फूलता जा रहा है, और बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो इसको डोसा बनाने के लिए गाइस बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा। इसको पहले अच्छे से फेंट लेते हैं 2-3 मिनट तक। इससे आपका डोसा बहुत ही परफेक्ट बनेगा, जब इसमें हाथ की नमी से ये डोसा अच्छे से फूलने लगता है। और ये आप देख सकते हैं कि बैटर में खमीर उठ चुका है, ये झाग झाग से बबल्स आपको दिखे होंगे, बबल्स भी हो गए, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो गाइस डोसा के लिए बैटर परफेक्ट तैयार हो गया। सो गाइज़ ये अच्छे से फिट चुका है और इसमें हवा भी भर गई है। अब इस डोसा के बैटर में कुछ नहीं डालना है, केवल मैं इसमें डालूंगी जो मैंने थोड़ा सा दही डाला था 2 टीस्पून। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक गाइज़ बाद में डालना है, पहले नहीं डालना है। तो इसमें नमक थोड़ा सा हल्का ही डालना है टेस्ट के लिए। नमक डालने के बाद इसको फेंट लेंगे। और डोसा बनाने के लिए बैटर किस तरीके से है, तो अभी ये गाइज़ थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके ज़्यादा पानी रहा है, तो बैटर परफेक्ट तैयार है। तो चलते हैं गैस की तरफ, देर ना करते हुए बनाते हैं डोसा। इस तरीके से आप डोसा का बैटर तैयार कर सकते हैं गाइज। और ये फिट भी गया है, तो इसमें बबल्स भी हो गए हैं, और बबल्स के बाद इसमें जो गैस होती है वो फूल जाती है, तो आपका डोसा बहुत ही फूला फूला खूब बढ़िया बनेगा। सो गाइस डोसा बनाने के लिए गैस को ऑन किया है, और इसको ऊपर मैंने रखा है तवा। सो गाइस डोसा जो पहली बनाते हैं, जो पहला डोसा ऑलरेडी ख़राब ही बनता है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर ख़राब बने तो कहिएगा नहीं। तो इसमें जो है गैस का फ्लेम बिल्कुल परफेक्ट रखना है। गैस को अभी मैंने हाई फ्लेम पर करा है, तो तवे को खूब अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे पानी और इसको करेंगे ठंडा। अभी ये तो ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो अभी इसको पहले तवे को बहुत ही तेज़ गर्म करना है। तो गाइस गैस के फ्लेम को परफेक्ट अगर आपकी रहेगा तो डोसा आपका बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो गाइस ये मैंने गैस को हाई फ्लेम पर करा है, अब जब मैं पानी डालूंगी तो इसमें छन्न से आवाज़ आएगी, तो ये परफेक्ट गर्म होता है पानी। तो इसमें अब अभी तो पानी है इसमें, अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा लिया है पानी, और जी अब ये परफेक्ट दबा गर्म हो गया है हाई फ्लेम पर। अब इसको पोंछ देंगे साफ़ कपड़े से पोंछ देंगे। अब गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तो पानी गाइस इसलिए डालते हैं कि तवा को गैस को हाई फ्लेम पर गर्म किया है, फिर इसको ठंडा करने के लिए, और फिर ठंडा होने के बाद जब डोसा डालेंगे इसमें बैटर डालेंगे, फिर इसको गैस को हाई फ्लेम पर कर देना है। अब तवा ठंडा हो चुका है, अब अच्छे से गर्म हुआ है, दोबारा से इसको गर्म कर लिया है, इसको दोबारा से पोंछ लेंगे। अब गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब लेंगे बैटर डोसे वाला, अब इसके ऊपर डालेंगे, एक बार में इस तरीके से डाल देंगे और इसको चला देंगे, एक ही शेप में इसको चलाना है। तो गाइस मैंने डोसा का बैटर डाल दिया है और इसको चला दिए अच्छे से। अब गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे, अब इसके ऊपर डालेंगे ऑयल, इसके ऊपर डालेंगे ऑयल चारों तरफ।
तो गाइस इसमें जो लेयर डाली है पहली वाली, तो इस तरीके से ये छूटने लगता है। जब ये ऊपर से परत छूटने लगेगी तब इसमें आलू का मसाला वाला आलू डालना है। तो ये मसाला वाला आलू लिया है, वो इस तरीके से इसको लगा लेंगे अच्छे से। अगर आपको प्याज पसंद है तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, चाहे तो पनीर भी इसमें डाल सकते हैं, पनीर के पीसेस। पनीर एडिशनल है। अब इसको पलटेंगे धीरे धीरे, गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे। अभी अब इसको पलटेंगे, गैस की फ्लेम का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, तभी डोसा आपका परफेक्ट बनेगा बिल्कुल। अब इसको फोल्ड कर देंगे तो डोसा परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो ये रहा मसाला डोसा। तो गैस इसको निकाल लेंगे और बनाएंगे दूसरा डोसा। तो ये आपको डोसा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। इसको सर्व कर लेंगे। अब बनाएंगे गाइस दूसरा डोसा। तो गाइस तवे को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पर, फिर वही टिप्स दोबारा करते हैं। तो गाइस दूसरा जो डोसा बनता है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। तो बैटर को गाइस मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है इसमें, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा था मुझको। तो ये अब परफेक्ट है ये, क्योंकि ये फूल ज़्यादा गया है, इसमें बबल्स ज़्यादा आ गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी तवे पर, तवे को करेंगे ठंडा। तो ये बहुत अच्छे से गर्म है, तो पोंछ लेंगे। गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। और जो बैटर में मैंने एक ग्लास समथिंग पानी डाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था, एक चमचा भर के मैंने ले लिया है। अब इसमें डालेंगे बैटर, उसको चलाएंगे। तो ये परफेक्ट है। आप चाहें तो ज़्यादा से लेने के बाद भी ऐसे पूरे तवे का भी बना सकते हैं, तभी बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे, जो मैंने हाई फ्लेम पर कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे गैस ऑयल, ऑयल मैंने ले लिया है। ऑयल जब लगाना है जब इधर से डोसा अपने आप को छोड़ देता है तवे से। अब इसके ऊपर डालेंगे आलू, मसाले वाला आलू। इसमें हम ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑनियन, आप चाहें तो मसालेदार आलू में भी ऑनियन फ्राई कर सकते हैं। अब जी आप देख सकते हैं कि इधर से जब लेयर छोड़ देती है तो ये सिक चुका है। फोल्ड कर लेंगे तो ये डोसा इस तरीके से बन चुका है। तो ये रहा मसाला डोसा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि डोसा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं डोसा। और ये रखा है मैंने चम्मच, और ये रखा है कांटा। तो इससे आप काट के खाइएगा। वो आप देख सकते हैं कि डोसा इस तरीके से गाइस कितना करारा बना है, कितना क्रिस्पी बना है। और मसाला डोसा बनके तैयार हो गया है, ये आलू वाला। तो और ये है सांभर, तो सांभर भी आप परफेक्ट देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है। और ये डोसा, अगर डोसा आपको कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है डोसा। तो गाइस इस तरीके से इसकी लेयर भी अच्छी बनी है। इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं डोसा और सांभर। तो गाइस अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में नया चैनल है जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाकर मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये है आलू का मसाला डोसा।